नमस्कार, हिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे तुगलक वंश को, क्योंकि हमने खिलजी वंश पूरा समाप्त कर दिया था। आज तुगलक वंश आपको पढ़ाएंगे। आज की जो बायोग्राफी है वो गैसुद्दीन तुगलक के बारे में है। उसके बाद से जो अगला लेक्चर होगा आपका एमबीटी के बारे में होगा, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, फिर फिरोज तुगलक के बारे में होगा। यही तीन शासक मेन थे तुगलक वंश के, ठीक है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको ये जितने भी दिए जा रहे हैं कोर्स, वो 10+ कोर्स के अंतर्गत दिए जा रहे हैं, जहाँ पे आपके सभी वीडियो क्लासेस फ्री हैं। अगर आप इस क्लासेस के नोट्स चाहते हो तो आपको 499 में 3 महीने के लिए पीडीएफ सब्सक्रिप्शन प्लान लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने जहाँ तक डिस्कस किया था तो ये था कि जो खिलजी वंश है वो समाप्त हो गया था। देखा गया था कि जो है अलाउद्दीन के मरने के बाद जब मलिक कफूर उसे मार देता है तो कौन आता है? कुतुब मुबारक शाह आता है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी आता है, वो राज करता है। फिर उसका ही मंत्री जो होता है खुसरो शाह, उसे मारकर गद्दी पर बैठ जाता है। और अलाउद्दीन के समय काल में देखा गया है कि सबसे ज़्यादा ताकतवर एक तरह से देखा जाए तो कौन था? एक था आपका मलिक कफूर, वो तो मर जाता है, ठीक, क्योंकि मुबारक शाह उसे मरवा देता है। और एक था आपका गाजी मलिक, क्योंकि जितनी भी लड़ाइयाँ आपका देखा जाए, वेस्ट साइड में जो भी लड़ाई हुआ था आपका नॉर्थ वेस्ट में, जिसमें मंगोल आक्रमण सबसे ज़्यादा थे, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो आगे बढ़ चढ़ के भाग लिए थे वो कौन था? गाजी मलिक था और मलिक कफूर था। जिसमें से मलिक कफूर तो मर जाता है, बचा कौन? गाजी मलिक। इसका मतलब कि ताकतवर है तो ताकतवर ही इंसान जो क्या करता है, सत्ता को पलटता है। तो यही हुआ, जैसे ही मुबारक शाह की मृत्यु हुई, क्योंकि मुबारक शाह के समय में वो आपके मुल्तान में जितने भी प्रांत हैं वहाँ पे उन सब का क्या था? गवर्नर था, ठीक। और जैसे ही मुबारक शाह की मृत्यु हुई और यहाँ पे आपका जो खुसरो शाह था वो बना, तो उसे लग गया कि ये इससे ताकतवर तो मैं ही हूँ, तो इसको तो मैं पलट ही सकता हूँ। तो वो इसके पास जितने भी उसके क्षेत्र के आसपास के पंजाब के, ठीक है, आपके अफगानिस्तान के जितने भी गवर्नर थे, उनसे चिट्ठी लिखता है और कहता है कि आप लोगों का सहयोग चाहिए, मुझे दिल्ली का जो खुसरो साहब बना है उसे हराना है और दिल्ली पे अपने जो है शक्ति स्थापित करना है। सभी लोग ने कहा ठीक है, क्योंकि खुसरो मुबारक खिलजी के ही समय से, क्योंकि उसका मैंने बता दिया था आपको कि कैसा रवैया था, बहुत ज़्यादा मतलब प्रजा के साथ इन्वॉल्व नहीं होता था, अपने ही ऐश आराम में रहता था। इस कारण क्या हुआ था? राज्य की पूरी इकोनॉमिक स्थिति चरमरा गई थी, ठीक। तो जो उसके मरने के बाद खुसरो शाह आया, वो क्या था? हिंदू से कन्वर्टेड मुस्लिम था। तो उससे लेके जितने भी लोग धार्मिक गुरु थे मुस्लिम, वो क्या हो गए? असमंजस में पड़ गए कि अगर ये हिंदू से कन्वर्टेड मुस्लिम है तो हो सकता है ये मुस्लिमों पर ज़्यादा अत्याचार करे, ठीक है। तो इस वजह से वो चाहता था कि इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा, इस वजह से गाजी मलिक को उसने जो धर्म गुरु थे वो बुलाए थे, कहते हैं कि आप जो है यहाँ पे इनको इनका सत्ता पलटिए और यहाँ पे आप राज करिए, क्योंकि उस समय सबसे ताकतवर वही थे। होता यही है, आते हैं और खुसरो शाह को मार देते हैं और तुगलक वंश की नींव रखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं तुगलक का जो समय काल था हमारा कैसा था, किस समय से कितने समय तक इनका जो है वंश रहता है। तो आपका 1320 से, ठीक है, 1320 में ये सब खत्म हो गया। 1316 में अलाउद्दीन की मृत्यु होती है और 16 से 4 साल तक ये लोग खींचते हैं मुबारक और खुसरो। उसके बाद से 1320 में जब इनको मारकर, खुसरो शाह को मारकर गाजी मलिक जो है तुगलक वंश की स्थापना करता है, और तभी से वो गैसुद्दीन तुगलक के नाम से जो है राजी गद्दी पर बैठता है, ठीक है। तो 1320 से लेकर 1414 तक आपको ये मिलेगा, कहीं कहीं आपको 1412 भी मिलेगा, क्योंकि 1398 में क्या होता है? तैमूर का आक्रमण होता है, ठीक है। और इसी आक्रमण के बाद जो है कहा जाए एक तरह से तो दिल्ली सल्तनत का जो है विघटन जो होता है शुरू हो जाता है, और यहीं से चरमरा जाती है पूरी यहाँ की व्यवस्था। और उसी के बाद सैयद वंश आता है, उसका कोई खासा रोल नहीं है, ठीक। उसके बाद से आपका लोधी वंश होता है और दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाता है। तो सबसे ज्यादा अगर बोला जाए दिल्ली सल्तनत पे राज करने वाला कोई वंश था तो कौन था भाई? तुगलक वंश था, 1320 से लेकर 1414 तक, ठीक है। अब देख लेते हैं कि तुगलक वंश का, आपको ये क्लियर करा देते हैं, पिक जो है आपको
देखिए ये जो पिक है ये तुगलक वंश के राज का दिखाता है, कहाँ कहाँ तक उनका राज विस्तृत था। ठीक है, यहाँ से देखिए पूरा ये अफगानिस्तान, लाहौर, दिल्ली, अहमदाबाद, इधर पूरा, ठीक है, बंगाल, क्योंकि बंगाल आपका क्या था, जब बलबन था तो उसका जो पुत्र था बुकरा खा, वो क्या किया था, जिस समय उसे यहाँ का दिया गया था, सरदार बनाया गया था, तभी से जो बंगाल पे ज़्यादा वो अपने स्वतंत्र मान लिया था बंगाल अपने को। अलाउद्दीन ने भी ज़्यादा कोशिश नहीं की, मगर गैसुद्दीन तुगलक ने बंगाल पे आक्रमण कर कर बंगाल को भी अपने में मतलब दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लिया। ठीक, वहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे किसी को दे दिया, मतलब वहीं के बंगाल के ही राजा को दे दिया कि भैया आप राज करो और मुझे कर जो है देते रहना। ठीक, जैसे अलाउद्दीन ने क्या किया था, साउथ में आक्रमण तो किया था, मगर उससे दिल्ली सल्तनत के मतलब बोले बोला जाए कि मिलाया नहीं था, जो साम्राज्य जो बोला जाए दिल्ली में, जो आपका सल्तनत था दिल्ली के अंतर्गत नहीं किया था। उसने कहा था, जीत लिया, उसके बाद से कहा कि भैया आप पेंशन के तौर पे मुझे पैसे जो है भिजवाते रहना। ठीक, तो इसने क्या किया कि पैसे वैसे भिजवाने वाला सिस्टम हटा दिया, ये पूरे साउथ तक, यहाँ तक आपका तमिलनाडु तक सब पे ये राज कर लिया था। इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा दिल्ली के अंतर्गत कर लिया था, मतलब जो भी होगा सब कुछ यहीं से होगा, यहीं से ये बताएगा कि यहाँ पे जो जिसको नियुक्त किया रहेगा अपने सरदारों को उनसे बोलेगा, क्योंकि वो सरदार जो है इन्हीं के होंगे, तुगलक वंश के होंगे, ऐसा हुआ था। और खिलजी वंश में क्या होता है, खिलजी वंश में ऐसा नहीं होता, जो यहाँ का राजा होता है वही क्या करता है, वहाँ राज करता है, बस एक पैसे के रूप में, पेंशन के रूप में जो है राजा को वो भिजवा देता है। मगर यहाँ क्या होता है, तुगलक वंश में वो क्या करता है कि जो आपका गाजी मलिक है वही अपने सरदारों को इन सब जगहों पर नियुक्त करता है। तो सबसे बड़ा साम्राज्य भी बोला जाए तो इसी का था। बाद में चढ़ के फिरोज शाह का साम्राज्य जो थोड़ा छोटा हो जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा अपने साम्राज्य को विस्तार नहीं करता, इधर बंगाल स्वतंत्र तो हो जाता है, तो फिर उसको स्वतंत्र ही छोड़ देता है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, वो अपनी जनता पर, भलाइयों पे काम करने पे जुट जाता है। ठीक, तो आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में, अभी हम पढ़ लेते हैं किसके बारे में, गाजी मलिक के बारे में, गैसुद्दीन तुगलक के बारे में, जिसने तुगलक वंश की स्थापना की। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे, तो कौन था, गाजी मलिक, अगर ऑप्शन में होता है, नहीं होता है तो गैसुद्दीन तुगलक। ठीक है, इनका जो समय काल था छोटा था, बहुत ज्यादा समय काल नहीं था, 1320 से लेकर 1325 तक था। ठीक है, उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है और इनका जो बेटा होता है वो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है, जिसे एमबीटी कहते हैं। उसका शासनकाल जब बैठता है तो लोग कहते हैं ये अशुभ घड़ी पे ही बैठा था, क्योंकि जितने भी काम उसने अपने शासनकाल में किए किसी में सक्सेस नहीं हुआ, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था। ठीक है, मगर कॉमन सेंस उसके अंदर नहीं थी, इसीलिए जब पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है अपने नियमों में। जो आप ही बात करते हैं इनका, गैसुद्दीन तुगलक का, 5 सितंबर 1320 को ये दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठते हैं, और किसकी उपाधि धारण करते हैं, गैसुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण करते हैं। कहा जाता है इनके बारे में कि एक आपका मुल्तान में शिलालेख मिला था मस्जिद में, तो उसमें लिखा हुआ था, उससे पता ये चलता है कि इन्होंने मंगोलों के खिलाफ 29 लड़ाइयाँ लड़ी थी। ततार कबीला था मंगोल का, मैंने जब चंगेज़ खान आपको पढ़ाया था उस समय बताया था कि ततार कबीला वाले ही चंगेज़ खान के क्या पिता की हत्या कर देते हैं, वो सबसे ज़्यादा दुश्मन होते हैं। तो उसी ततारी कबीले के जो लोग थे उन जब भाई भारत पे आक्रमण किए, तो ये कहा जाता है कि 29 बार इसने जो है गाजी मलिक ने उनको रोका था, उनको हराया था, तो इसी वजह से इसे एक उपाधि मिल जाती है गाजी की। तो आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली सल्तनत में गाजी की उपाधि धारण करने वाला कौन शासक था। ठीक है, तो कौन था, आपका गैसुद्दीन तुगलक था, क्योंकि ये क्वेश्चन हर जगह पूछेगा आपसे, जब मुगल वंश शुरू होगा वहां पे भी यही से क्वेश्चन बनता है, मगर वो मुगल वंश में पूछेगा कि मुगल वंश में गाजी की उपाधि धारण करने वाला कौन शासक था। ठीक है, ऐसे अगर दिल्ली सल्तनत में पूछ ले कि गाजी वंश मतलब गाजी की उपाधि धारण करने वाला कौन सा शासक था, तो कौन था, गैसुद्दीन तुगलक था, और इसने एक उपाधि धारण की थी क्या, गाजी उल मलिक, इसीलिए इसे गाजी मलिक कहा जाता है। ठीक है, ये इसकी उपाधि है। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। हुआ क्या था कि इसकी सिमेन लड़ाई क्या थी, कि जब इसने खुसरो शाह को मार दिया, तो खुसरो शाह का और एक सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया, इनके बीच में बहुत अच्छी बैठती थी। ठीक है, तो जब वो राजा बना था खुसरो शाह,
तो उसमें क्या किया था, निजामुद्दीन औलिया को जो संत था उसको काफ़ी मात्रा में धन दे दिया था। और जब ये पता चला था इसको गाजी मलिक को कि हाँ ये इसको इतना धन दे दिया, इसका मतलब कहीं यही अपना सत्ता ना बना ले वहाँ पे, ठीक। तो और क्योंकि इसके पास संपत्ति ज़्यादा रहता है तो वो सोचता है कहीं अगर इसके पास संपत्ति है तो ये सेना इकट्ठा करके विद्रोह ना करा दे। इस वजह से क्या करता है, इससे पहले मिलता है और इससे इसके बात विवाद बिगड़ जाते हैं, ठीक है। कुछ छीन लेता है, कुछ जो पैसे हो से जो मिलते हैं वो जो ले लेता है। इसी वजह से निजामुद्दीन औलिया जो है इसे कहते हैं, जब इसके बीच लड़ाई होता है, ठीक, कि वो पहले सोचता है कि मुझे पैसा मिल जाए ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं सैनिक इकट्ठा कर लूँ और खुसरो शाह को जो दिल्ली से हटा दो, ठीक। तो उसे कुछ पैसे तो मिल जाते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं तो विवाद के कारण ये भी हार मान जाते हैं और चले जाते हैं और कहते हैं भैया दिल्ली अभी दूर है। निजामुद्दीन औलिया कहते हैं कि जो तुम सोच रहे हो कि तुम ये सब करके विद्रोह करके राजा को खुसरो शाह को वहां से हटा के दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाओगे तो ये अभी दूर है, दिल्ली का ख्वाब मत देखो। मगर उसे क्या, वो तो जानता है कि दिल्ली तो हम पहुंच ही जाएंगे किसी तरह। तो अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ से क्वेश्चन उठाया जाता है कि दिल्ली अभी दूर है, किसने कहा था, ठीक है, तुगलक वंश में, तो आपका कौन कहा, निजामुद्दीन औलिया था, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब ये जो होता है निजामुद्दीन औलिया से तो वहां से परास्त करके उनको आता है और दिल्ली के सल्तनत को, गद्दी को खुसरो शाह को हटा के बैठ जाता है। और जैसे ही दिल्ली के पास बैठता है आप, तो अपना निर्माण कार्य कुछ करता है, जैसे दिल्ली के समीप एक शहर बसाता है जिसका नाम देता है तुगलकाबाद, ठीक है, अपने वंश के नाम पे ही तुगलकाबाद का शहर का नाम देता है। और साथ ही में दिल्ली में एक मजलिस ए हुक्मरान की स्थापना करता है, ठीक। बोला जाता है कि जो तुगलकाबाद है वो रोमन शैली पर बना हुआ है, जो दुर्ग उसका बना हुआ है, जो किला बना हुआ है वो किस पे है, रोमन शैली पे बना हुआ है। और यहीं पे उसने एक और चीज़ों का निर्माण कराया जिसे क्या बोलते हैं, 56 कोट, ठीक है। जो दुर्ग था वो तुगलकाबाद शहर में, जो उसका नाम क्या था, 56 कोट नाम था, ठीक है। तो ये किस शैली पे बना है, 56 कोट, रोमन शैली पे बना हुआ है, ठीक। तो ये इसके निर्माण थे, एक तो तुगलकाबाद पूरी सिटी बसाया था और जो फोर्ट बनाया था तुगलकाबाद का उसे नाम दिया गया क्या, 56 कोट, ठीक है। अब आते हैं इनके गयासुद्दीन तुगलक के समय जो कुछ आक्रमण हुए थे उनके बारे में देख लेते हैं, कैसे इतने, जो मैंने आपको साम्राज्य दिखाया इसका तुगलक वंश का कि कितना बड़ा था, कैसे विस्तृत करता है। तो इसका जो बेटा होता है जिसका नाम उलुग खा कह सकते हो, जौना खा कह सकते हो, और जो बाद में चलकर क्या बनता है, एमबीटी बनता है, मोहम्मद बिन तुगलक बनता है, ठीक। तो उसने को क्या किया, इसने वारंगल पे, अलाउद्दीन खिलजी ने भी वारंगल पे आक्रमण किया था। वारंगल के जो शासक होते हैं वो रुद्र प्रताप रहते हैं, वो क्या करते हैं, जो पेंशन होता है वो देना बंद कर देते हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक जो है कहता है कि अब पेंशन वेंशन वाला बात खत्म करो, सीधे उसको मार के वहाँ अपनी सत्ता स्थापित कर लो। तो अपने पुत्र को भेजते हैं जौना खां को कि भैया जाओ वारंगल पे आक्रमण करो, क्योंकि ये जौना खां जो होता है, इसको गवर्नर कहाँ का बनाया गया आता है, देवगिरी का, ठीक है, मैक्सिमम टाइम वहाँ का गवर्नर रहता है। तो वहाँ से दिल्ली से इनको इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है, गाजी मलिक का कि भैया तुम जाओ वारंगल पे आक्रमण करो और उसे अपने दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लो पूरी तरह से। अब ये जाते हैं कब, 1323 में, 1323 में जाते हैं, उनसे लड़ाई होती है और लड़ाई के बीच में ही कहीं से अफवाह फैला दी जाती है कि क्या हुआ है, गाजी मलिक का मतलब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई है। अब ये सुनकर जो है उनके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक घबरा जाते हैं और सेना भी तितर बितर हो जाती है, ठीक है, वो मनोबल नहीं रहता है। तो इन्हें हार का सामना करना पड़ता है और वहां से तुरंत भाग खड़े होते हैं वारंगल से। जब बाद में पता चलता है इनको दिल्ली में कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये अफवाह फैलाया गया था, तो फिर से ये अपनी सेना इकट्ठा करके 24 में फिर यहाँ पे वारंगल में आते हैं और आक्रमण करते हैं। अब यहाँ पे जो मतभेद मिलता है कुछ इतिहासकारों का कहना ये है कि जैसे इब्ने बतूता एमबीटी के शासनकाल में आएगा 1333 में, बताऊंगा वहां पे जब ये लिखा है अपने किताब में, तो ये तो लगता है एमबीटी के हमेशा खिलाफ ही रहा है, जिंदगी जो भी लिखा है ऐसा लिखता है कि इसके विरोधी में लिखा है एमबीटी के। उसने कहा है कि जो ये विरोध आपका, जो ये अफवाह फैलाई गई थी 23 के आक्रमण में वारंगल में, ये इसी ने फैलाया था कि हम अफवाह फैला दें उसके बाद से सब कुछ तितर बितर हो जाए, सीधे दिल्ली पर आक्रमण करके हम दिल्ली की गद्दी हथिया लें।
कुछ लोगों का कहना है, क्योंकि यहाँ फरिश्ता बरनी सबकी जो है अलग अलग राय है, तो वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं था, ये अफवाह जो है आपका रुद्र प्रताप वारंगल के लोगों ने क्या किया था कि युद्ध से बचने के लिए, कि हम हार ना जाएं, इन लोगों ने फैलाया था। ठीक है, अब सबका अलग अलग मतभेद है इतिहासकारों का। अब आ जाते हैं 1324 में, जब फिर से एमबीटी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण किया वारंगल पे और इसे जीत लिया। और जीतने के बाद क्या किया, इसका नाम बदल के क्या रख दिया, तेलंगाना और सुल्तानपुर रख दिया। ठीक है, तो इसे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वारंगल का नाम बदल कर, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या रखा था भैया, तो सुल्तानपुर या तेलंगाना, अगर अगर मिलता है आपके ऑप्शन में से दोनों कोई तो वो सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब एक अभिलेख है राजमुंदरी का अभिलेख, उसमें जो जौना खां है, चाहे उलुग खां है, चाहे आपके एमबीटी हैं, मतलब तीनों एक ही नाम है। ठीक है, पहले आपके सिंपल जौना खां रहते हैं, उसके बाद से जैसे राजगद्दी पर बैठते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक बन जाते हैं। तो इन्हें दुनिया का खान कहा गया है। क्या कहा गया है? दुनिया का खान। तो आपसे अगर पूछा जाए कहीं क्वेश्चन ये पूछे कि दुनिया का खान किसे कहा गया है, तो एमबीटी को कहा गया है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। अब गैसुद्दीन तुगलक जो होता है वो अपने अंतिम अभियान पे बढ़ता है। किधर पड़ता है भाई? बंगाल में। क्या होता है, वो स्वतंत्र रहता है, उसे जीतना जरूरी होता है। बाकी सब तो अलाउद्दीन के टाइम पे भी, खिलजी के टाइम पे भी, जो आपके वारंगल हैं, दौर समुद्र कर्नाटक में देवगिरी पे ही हो गया, आपका तमिलनाडु में मदुरई है, ये सब पे क्या होता है, सबके पेंशन दिल्ली सल्तनत तक पहुंचता था, मतलब सुल्तान तक पहुंचता था। अब इसे क्या किया था गयासुद्दीन तुगलक ने, सबको जीत के अपने अधीन कर लिया था। कि मतलब वहां पे जो भी राजा नियुक्त होता था, जो भी सरदार नियुक्त होता था, वो कौन था, तुगलक का कोई ना कोई चहेता था। ठीक है, उसके बाद से इसने क्या किया, 1324 में जो बंगाल अपने आप को बलबन के समय से स्वतंत्र मांग, मतलब इंडिपेंडेंस था, उसको वहां से खत्म करने के लिए गयासुद्दीन तुगलक बंगाल जाता है 1324 पे, वहां आक्रमण करता है। और किसे, किस पर आक्रमण करता है, नसीरुद्दीन पे। नसीरुद्दीन का हरा देता है और बंगाल का दक्षिण और पूरब भाग दिल्ली सल्तनत मतलब के अधीन कर लेता है। दिल्ली सल्तनत के अधीन मतलब कि दक्षिण और पूरब भाग जो होता है बंगाल का, वहां पे ये अपने सरदारों को नियुक्त करता है। बाकी आपका जो बचा हुआ भाग उत्तरी भाग होता है, वहां पर नसीरुद्दीन को कहता है कि ठीक है, वो हार मान जाता है, सरेंडर कर देता है नसीरुद्दीन। तो कहता है ठीक है, तुम यहाँ पे रहो और प्लस हमें इसका क्या करना, पैसा भेजते रहना। वो मान जाता है, इनको दे देता है। और जैसे ही ये बंगाल विजय करके 1325 में वापस आते हैं दिल्ली, तो एमबीटी, अब यहाँ पे भी इतिहासकारों का अलग अलग मतभेद है कि एमबीटी क्या करता है आपका, इनके स्वागत के लिए, कि ये विजय बंगाल का विजय अभियान करके आते हैं, इनके स्वागत के लिए लकड़ियों का महल बनाता है, पंडाल बनाता है। और ये हाथी पे जब आते हैं वहाँ पे, तो कहा जाता है कि इतना वो कमजोर महल बनवाता है कि जैसे वहाँ सब समारोह होता है, इनके वो क्या होता है, डगमगाने लगता है और पूरा का पूरा महल ही जो पंडाल होता है वो गिर जाता है। उसी में जो है गयासुद्दीन तुगलक की जो है दबके मृत्यु हो जाती है। अब इसमें भी इतिहासकारों का अलग अलग मतभेद है। इब्ने बतूता जो एमबीटी के हमेशा खिलाफ रहे हैं, वो कहा जाता है कि ये किसकी साजिश थी, ये एमबीटी की साजिश थी, उसने क्या है राजगद्दी हथियाने के लिए ऐसा कमजोर जो है पंडाल बनवाया और उसे गिरवा दिया ताकि उनके जो पिताश्री की मृत्यु हो जाए और गद्दी हमारे हाथ में आ जाए। वहीं फरिश्ता जो है वो अलग बोलते हैं, कहते हैं कि वो एक संयोगवश एक दुर्घटना थी, ठीक, कि वो पंडाल पूरी तरह से गिर गया और उसमें दबकर क्या हो गई, अपने छोटे पुत्र को बचाने में, मतलब गैस आपके एमबीटी के छोटा भाई था एक, उसको बचाने में गैसुद्दीन तुगलक की जान चली जाती है। ठीक, तो ये इनके जो है पूरा का पूरा जीवन काल हो गया। अब इनके कुछ जो काम किए थे गैसुद्दीन तुगलक ने, जो काम किया था उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जनता के भलाई के लिए इन्होंने क्या क्या काम किया था। बाकी तो इनकी लाइफ स्टाइल मैंने बता दिया कि आक्रमण कैसे किए थे, क्या क्या, तो अब इनके काम को देख लेते हैं। कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक ने जितना भी आपका कर व्यवस्था था, जितने भी आपके दंड दिए जाते थे अलाउद्दीन के खिलजी के टाइम में, उन सबको समाप्त कर दिया। ठीक है, जितना उसकी मार्केट पॉलिसी था, ठीक है, नियम था, उस सभी को चेंज करके इसने अपना अलग से जो है नियम बनाया ताकि लोगों को रिलीफ मिले। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में इतना उसने कर लगा दिया था कि लोग देते देते गरीब हो गए। ऐसा नहीं था कि ये भी नहीं कर नहीं लगाया था, ये लगाया था, मतलब ऐसा लगाया था कि लोग उसे दे भी सके, मतलब
उस पर काम भी कर सके। अब ऐसा नहीं कर लगा दिए, पता चले कोई ना कोई खेती ही करना छोड़ दे, तो उसका ये था कि उपज ज़्यादा हो। उपज ज़्यादा हो मतलब कोई भी अगर आपका किसान है तो ऐसा लगाओ, कुछ ऐसा उसके साथ करो कि हाँ कि उसके जो खेतों में उपज हो वो बढ़ जाए और कर भी देने में उसे आसानी रहे। तो उस फंडे पे ये इसने काम किया था। अलाउद्दीन का क्या था भैया, चाहे तुम करो चाहे ना करो, जैसा भी है तुम्हें, पैसा हमें लेने से मतलब है, ठीक है। तो इसने क्या किया, जो पैमाइश के हिसाब से मतलब भूमि को नाप कर कर लगाया जाता था उसे क्या किया, हटा दिया, और जो पहले कर व्यवस्था चलती थी उसे इसने लागू कर दिया, ठीक है। तो इससे काफ़ी लोगों को रिलीफ मिला, प्लस जितने अमीर लोग थे, जो भी जमींदार लोग थे, जो चौधरी थे, मुकद्दम थे, ठीक, इन सबको क्या किया, जो इनके अधिकार छीन लिए गए थे अलाउद्दीन के टाइम में, उनको वापस कर दिया कि भैया ठीक है, जो जो आपके अधिकार थे, ठीक, क्योंकि उन्हीं के मदद से ये गद्दी पर कहीं ना कहीं बैठा था, अमीरों के मदद से ये गद्दी पर बैठा था, क्योंकि वो खुसरो को जो अमीर जो थे वो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि ये इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा वो रहेगा, तो इसी ने बुलाया था। इसीलिए इसने जितने भी उनके अधिकार थे उनको वापस दे दिया कि भैया आप लोग कर वसूलो, और जो भी कर वसूलो और उसका जो 10% आप लोग रखते थे वो भी रखो साथ में, ठीक। तो उसे क्या कहते थे, उसे क्या कहते थे, हुकूक एक होती, ये चालू कर दिया। इसे अलाउद्दीन खिलजी ने बंद कर दिया था, और किस्मत एक होती को इसने पूरी तरह से बंद कर दिया, वो तो बंद पहले से था, तो इसे चालू नहीं किया, सिर्फ हुकूक एक होती चालू किया, जिसमें क्या होता था कि जो जमींदार, जो चौधरी, जो आपके वंशानुगत जो पोस्ट सबकी रहती थी, उस पोस्ट के ये हुकूक एक होती दे दिया कि आप लोग जो भी कर वसूलो उसका 10% अपने पास रखो। तो इससे जितने भी लोग थे इसके समाज में, राज्य में खुश हो गए, प्लस किसानों में इसने क्या किया, जो आपके कर लगाया गया था पैदा इसका 50% जो लगाया गया था उसे कम कर दिया गया, मतलब हाफ था उसका 1, अब यहाँ कम करके कितना कर दिया गया, 1/3 कर दिया गया, ठीक। तो इसने क्या किया कि जो भी पहले से कर थे वो सभी समाप्त कर दिया, कुछ कर इसने जो एक्स्ट्रा लगते थे उसे समाप्त कर दिया। तो इससे क्या हुआ, और इसने खेती में उपज बढ़ाने के लिए किस किस चीज़ का निर्माण किया, इसने नहरों का निर्माण किया, ठीक है, जाना कि अगर हर जगह हम पानी पहुंचा देंगे तो किसानों का हेल्प मिलेगा, और इससे क्या होगा, खेती में जो होगा अनाज का उत्पादन जो होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक। तो इससे क्या होगा, आपको कर देने में भी लोगों को आसानी होगी। तो इसने नहरों का निर्माण कराया। तो आपसे यहीं से एक क्वेश्चन बन जाता है भाई साहब कि दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम नहरों का निर्माण कराने वाला सुल्तान कौन था, तो कौन था, गयासुद्दीन तुगलक था। ये आपके क्वेश्चन एक वन डे एग्जाम में बन जाता है, ठीक है। उसके बाद से इसने और कौन कौन सी व्यवस्था लागू की, एक आपका बोला जाए तो डाक, ठीक है, डाक सिस्टम इसने लागू किया, डाक घर बनवा दिया हर जगह, पोस्टल सिस्टम जो बोला जाता है उसे इसने लागू किया। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली सल्तनत में कौन सा सुल्तान पोस्टल सिस्टम पे मतलब डाक घर की व्यवस्था लाया था, तो कौन था, गयासुद्दीन तुगलक था, ठीक। तो ये आपका पूरा का पूरा गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जो है डिटेल हो गया कि कैसे इसने क्या क्या काम किए लोगों के हित में, जितने भी कर थे वो सब हटा दिए, ठीक, और आपके नहरों का निर्माण कराया, तुगलकाबाद सिटी का निर्माण कराया। ये जो निर्माण कारक से अगर क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ से आप कवर कर ले जाओगे, बाकी इससे ज़्यादा डिटेल गयासुद्दीन तुगलक से क्वेश्चन नहीं बनता है, जो इतना बनेगा मिनिमम के क्वेश्चन आपके, एक तो संस्थापक कि तुगलक वंश का संस्थापक क्या था, अगर टाइम पीरियड 1320 से लेकर 1325, और कुछ इसके निर्माण का, और प्लस इसका जो एक सबसे ज़्यादा जो कई बार रिपीटेड क्वेश्चन मिला है वन डे एग्जामिनेशन में, वो क्या है कि कैनाल का मतलब किसने लाया था, मतलब दिल्ली सल्तनत में नहर का निर्माण किसने कराया था, तो वो गयासुद्दीन तुगलक। तो ये आपका आज का जो लेक्चर है गयासुद्दीन तुगलक के बायोग्राफी थी। अगले लेक्चर में हम MBT के बारे में बात करेंगे, तब तक आप सभी लोग इस लेक्चर को ध्यान से देखिए और इसके जो नोट्स मिलेंगे उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।